नमस्कार, स्वागत है आपका डेडलाइन में। मैं हूं सूरज मोहन झा। डेडलाइन कार्यक्रम में हम सप्ताह भर लोकसभा में हुए कामकाज के संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आइए कार्यक्रम के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बीते सप्ताह हुए लोकसभा के कामकाज को। अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब दिया मंत्री थावरचंद गहलोत ने। तो आइए कार्यक्रम में सुनते हैं क्या कुछ कहा सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने। नशा मुक्ति के क्षेत्र में हमने जो किया है वो मैं बताना चाहता हूँ। 2009-10 से 13-14 इस्टीमेट था, बजट इस्टीमेट 137.62 करोड़ रुपए, एक्सपेंडिचर हुआ था 130.75। लाभार्थियों की संख्या थी, खर्च भी कम हुआ, लाभार्थियों की संख्या थी 5,09,586। 14-15 से लेकर के 18-19 तक बजट प्रावधान 244.26 करोड़, एक्सपेंडिचर 242.55 करोड़, लाभार्थियों की संख्या 5,47,954। आपके टाइम से ज़्यादा लाभार्थियों की संख्या है, और अगर इस साल का आंकड़ा उसमें जोड़ूं तो वो 53,000 और जोड़ दो तो 5,47,000 और 53,000 6 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा है। इसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों के क्षेत्र में भी आपने पूछा, तो जो पुराना कानून बना हुआ है उस कानून में हमने सुधार करने का भी प्रस्ताव किया है, और वो विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया है, और लोकसभा से वो स्टैंडिंग कमेटी में गया है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर जो भी एक्शन टेकन करना होगा वो करेंगे, और उस बजट को, उस विधेयक को यहाँ पारित कराने की कोशिश करेंगे। अरे जो 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 वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति बनाने का काम है वो जारी है। पहले वाली नीति में काफ़ी सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में जो विधेयक हम लाए हैं उसमें हमने डे केयर सेंटर की भी व्यवस्था की है, ओल्ड एज होम की भी व्यवस्था की है, और हर पुलिस थाने में अलग विंग होगी, उनकी देखरेख करने का काम वो जाकर के करेगा। एक पुलिस अधिकारी अधिकृत होगा जो उनके घरों में जाकर के भी जांच पड़ताल करेगा, और फिर एनजीओ के माध्यम से जो वरिष्ठ नागरिक ओल्ड एज होम में या डे केयर सेंटर में नहीं जा सकते हैं या जाने की स्थिति में नहीं है, उनके घरों में जाकर के उनकी सेवा करने का काम करेंगे। ये ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया है। आपने कुछ किया हो तो बता देना, बाद में बता देना, अभी याद नहीं आ रहा। तो इसके साथ एनजीओज के माध्यम से हम एससी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए आर्थिक सहयोग देते हैं, इसके आंकड़े भी मेरे पास है। 9-10 से लेकर के अभी तक मैं बताने के लिए तत्पर हूँ, और फिर आंकड़े बताऊंगा। वो कहेंगे कि ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, इसलिए आंकड़ों के चक्कर में जाने की बजाय एक वेंचर कैपिटल फंड योजना भी हम संचालित करते हैं। वेंचर कैपिटल फंड योजना के अंतर्गत हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को उद्यमिता के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर्स बनाने का प्रयास करते हैं, और उसमें सस्ते ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अभी तक हमने 14-15 से लेकर के 20-21 तक का ये जो बजट अनुमान है उसमें 630 करोड़ रुपए है, और उसमें संशोधित बजट है वो 350 करोड़ का है, और लाभार्थियों की संख्या वास्तविक जिन जिन कंपनियों को हमने सुविधा दी है वो खर्च की संख्या तो 341.01 है, और 107 कंपनियों को 243.95 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। और ये जो 107 कंपनियां हैं ये एससी वर्ग के और एसटी वर्ग के बच्चों की, लोगों की है, और इसमें ये इस प्रकार से उसका लाभ ले रहे हैं। वित्त विकास निगम के माध्यम से मैंने बताया कि हम कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद में उनको लोन भी देते हैं, लोन देने के बाद में प्रयास करते हैं कि वो स्वावलंबी बने। और
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने अपने चर्चा के जवाब में विस्तृत जवाब दिया और उन्होंने बजट के आवंटन के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांगजनों वरिष्ठ नागरिकों और नशा मुक्ति के लिए मंत्रालय क्या कुछ कदम उठा रहा है इसके बारे में विस्तार से बताया। उनके जवाब के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुदान की मांगों को सदन में पारित कर दिया गया। इसके पश्चात सदन में पर्यटन से जुड़े अनुदान की मांग को लिया गया जिसमें अलग अलग सांसदों ने चर्चा में भाग लिया और जिसका जवाब दिया मंत्री प्रहलाद पटेल ने। मैं आपका ध्यान अयोध्या की चौरासी को सांस्कृतिक परिधि की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। भगवान राम जैसे विराट व्यक्तित्व के आगमन के पूर्व इस क्षेत्र को जब तब योग विज्ञान साधना से संपन्न कर दिया गया। वक्त के थपेड़ों ने प्राचीन वैभव के इन केंद्रों को भी नहीं छोड़ा। इसे पुनः उसी प्राचीन रूप में स्थापित करने की जरूरत है। अयोध्या की जो आध्यात्मिक भित्ति निर्मित हुई उसमें इस सांस्कृतिक परिधि का अहम योगदान है। इसलिए धर्मनगरी के चतुर्दिक 84 कोस का क्षेत्र जो राम से नाभिनाल जैसे अटूट संबंध है, इस सांस्कृतिक क्षेत्र पर फोकस किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके पीछे गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा है। अयोध्या के चारों ओर ऋषि महर्षियों साधकों मुनियों की तपोस्थली है। 84 कोस परिक्रमा की शास्त्रीय सीमा का निर्धारण इसके चारों कोनों में स्थित स्थलों से किया जाता है। पूरब में श्रृंग ऋषि, दक्षिण में आस्तिक आश्रम का स्थल जन्मेजय कुंड, पश्चिम में अगस्त ऋषि का स्थान और जम्बूद्वीप और उत्तर में मखौड़ा मख भूमि को माना जाता है। इसी परिधि में सैकड़ों की संख्या में ऋषि महर्षियों मुनियों की साधना स्थली है। मान्यता है कि ऋषि मुनियों ने अपने तप से इस क्षेत्र को आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न किया। इन कुटियों के दिन बहुरेंगे तो श्रद्धालु यहाँ तक जाएंगे और कई दिनों तक टिकेंगे। 84 कोस की दर्शन एंड स्वदेशी दर्शन लास्ट ईयर यू हैव डिमांडेड फॉर 1106 crores ऑफ रुपीज यू हैव डिमांडेड द पार्लियामेंट हैज ग्रांटेड। What you have done, you have only spent 466 crores of rupees. And again, you are coming for an allotment and you are seeking an allotment for 1,200 crores. How can it be justified? First, the Honorable Minister has to answer why the unutilization of the fund which has already been granted by the Parliament to you, that means it is a non-performance of the Ministry. And similarly, coming to the second scheme also, Prasad scheme also, the same scheme, that is unutilization of the fund means it is a non-performance of the Ministry and you are coming to the Parliament again seeking more grants, so that is not justifiable. That is the first point which I would like to make. Sir, regarding the second point is, BJP when promised in the 2014 Lok Sabha elections, 5 T's, technology, tourism, tradition, trade and talent. These were the 5 slogans which we have merged at the time in the year 2014 at the time of publication of the manifesto. The NDA government is yet to begin the steps to fulfill the dream points. For example, the national tourism policy is pending for the last 5 years. Sir, in the year 2015-16, you have published a draft policy and sought the opinion of the public, but unfortunately, after even 6 years in office, the government is not able to draft and publish a national tourism policy. It is quietly unfair on हमारा बंगाल में सर सुंदरबन जो यूनेस्को जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट करके जिनको सम्मानित किए हैं वो सुंदरबन की लिए सरकार कुछ खास कदम उठाए क्योंकि सुंदरबन धीरे धीरे हाथ से निकल जाते हैं। सुंदरबन की बायोडाइवर्सिटी रिजर्व और वाइल्ड रिजर्व जो है ये सारे चीज को रखरखाव करने के लिए सरकार की मदद चाहिए सर। बस ये दो चीज, एक सुंदरबन और मिदनापुर का पात्रा विलेज, ये दो चीज और साथ साथ ये कोरोना की इफेक्ट कैसे होते हैं टूरिज्म सेक्टर में, ये मंत्री दयापूर्वक बताए। नमस्कार सर। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और मैं इस बात से भी प्रसन्न हूं कि भले प्रेमचंदन जी ने हमारी अनुदान की मांगों का विरोध किया हो लेकिन उसमें भी उनकी मंशा है कि तेजी से काम हो, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। मुझे लगता है कि सारे जितने भी भाषण हुए हैं उन भाषणों में सबने यही अपेक्षा की है कि काम तेजी से होना चाहिए और संभावना ही पर्यटन के क्षेत्र में है। मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों को हम भूल नहीं सकते और सदन इस बात से सहमत भी होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पिछले 5 वर्षों की जो रोड मैप है
पर्यटन को लेकर उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, और उसका परिणाम है कि भारत में 2019 में 10.89 मिलियन विदेशी पर्यटक आए और 2,10,981 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, और जो घरेलू पर्यटक थे वो 1,854.9 मिलियन उनकी संख्या थी। अध्यक्ष जी, पिछला वर्ष 18 हो या 19, इतने तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी पर्यटन के लिए शांति चाहिए, अनुकूलता चाहिए। मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा कि पिछले 2019 में 9 देशों ने हमारे खिलाफ एडवाइजरी जारी की थी। जब हम चर्चा करने बैठे हैं तो मैं इस बात से खुश हूँ कि हम परिस्थितियों को समझ रहे हैं, उसके बाद भी विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। आज की परिस्थिति भिन्न है, लेकिन इस बात को भी हम नहीं भूल सकते कि हम जब 65वें स्थान पर 2014 में थे तो आज 19 में हम 34वें स्थान पर हैं। हमने एक लंबी छलांग लगाई है, और अब ये जो 5 वर्ष हैं, इन 5 वर्षों में 34 से 1 की तरफ चलने का हमारी यात्रा है। जब मैं पर्यटन की बात करता हूँ तो मैं पूरे खुले मन के साथ सदन से कहना चाहता हूँ कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जिसमें केंद्र और राज्य एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, भारत सरकार भी एक स्टेक होल्डर है, राज्य सरकार भी एक स्टेक होल्डर है, टूर एंड ट्रेवल्स वाले लोग, होटल वाले लोग, हम तमाम स्टेक होल्डर हैं, हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है एक भी जगह। विस्तृत चर्चा के बाद लोकसभा ने पर्यटन मंत्रालय से जुड़ी अनुदान के मांगों को पारित कर दिया। इसके पश्चात सदन ने अनुदान के मांगों और संबंधित विधेयक को भी अपनी मंजूरी दे दी। मंगलवार को लोकसभा में वायुयान संशोधन विधेयक को चर्चा के लिए लाया गया, जिसपे एक विस्तृत चर्चा हुई और उसके बाद संबंधित मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका जवाब दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम लोग हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज पे बैठाएंगे, हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज पे बैठाएंगे, यानी फ्लाइंग फॉर ऑल। और 2014 से लेकर जब हमारी सरकार मरी 2014 से लेकर आज तक 2020 में जो हम लोगों ने विमानन क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया है, जो हमें सफलता प्राप्त हुई है, सभापति महोदय जी और मैं आपके द्वारा पूरे सदन को, पूरे देश को इसके बारे में उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, वो अद्भुत है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आई विल प्रेजेंट सम हार्ड फैक्ट्स एंड यू नो श्री प्रेमचंद्रन जी वाज़ सेइंग वी हैव टू बी रेलेवेंट इन आवर डिस्कशंस एंड आई विल एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाई दीज हार्ड फैक्ट्स आर रेलेवेंट टू द डिस्कशन एंड द अमेंडमेंट दैट वी आर प्रेजेंटिंग टुडे। इन फिस्कल 2014 द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स इन दिस कंट्री वाज़ 70। टुडे वी हैव 105 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स, and with the budget that has just been presented, that we just passed yesterday, the appropriation bill, with that budget and the plans that the Ministry of Civil Aviation has undertaken, we are going to go from 105 operational airports to more than 200 airports. The number of planes in fiscal 2014 was only 400. We are close to 700 now, and the plans are to go to 1,200 planes as well. The number of trips in fiscal 2014 were 10 crore. Now they're close to 20 crore, and the plan over the next few years is to get to 100 crore passenger trips. This is the kind of expansion that the Honorable Minister Shri Hardeep Puri ji was referring to. This is the kind of growth that we have seen in the aviation sector. सरकार के इस निर्णय के पीछे किन लोगों की भूमिका थी जिसने सरकार के 1200 करोड़ रुपए खर्च करा दिए जिसमें हवाई जहाज के उतरने का इंक्रीमेंटल एडवांटेज 1% भी नहीं था। यह विषय मैं सिर्फ फ्लोर पर रखना चाहता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए और बिहार को। दूसरा महोदय, बीहटा में सरकार ने तय किया कि बीहटा में, क्योंकि पटना में कामयाब नहीं है तो बीहटा में 1,000 करोड़। महोदय, बीहटा में ना तो बड़ा 777 उतर सकता है महोदय, ना बीहटा में बोइंग और जम्बोज उतर सकते हैं, ना वहां CAT-3 लग सकता है। पटना से बीहटा शिफ्ट कर रहे हैं नए हवाई अड्डा के लिए, जहां 1,000 करोड़ रुपया स्वीकृत कर रहे हैं, वहां 1% भी महोदय में 1% भी ऑपरेशनल एडवांटेज नहीं है। तो सरकार का 1,000 करोड़ पटना में, सरकार का 1,200 करोड़ रुपया बीहटा में, जहां आने वाले 50 वर्षों तक कोई बड़ा विमान नहीं उतर सकता है। और उसके साथ साथ बीहटा पहुंचने के लिए NHAI से 2700 करोड़ का एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है।
2700 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया, 4700 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, जहां मुश्किल से 1 या 2 या 3 या 4% एडवांटेज बिहार को मिलेगा। पता नहीं किन लोगों ने सरकार पर जाकर ये निर्णय कराया। ये दुखद विषय है कि पटना जहां आज एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की आवश्यकता थी, पटना जहां साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा हब बन सकता था, जहां नेपाल से डाइवर्ट होने वाले विमान दिल्ली और लखनऊ जाते हैं, जो पटना उतर सकते थे, जो दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म का स्पॉट हो सकता था, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा हब बन सकता था 15,000 फीट का, जिस राज्य में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की जरूरत थी, वहां 4700 करोड़ रुपया एक विमान की सेवा बढ़ाए बिना उसको लागू किया जा रहा है। श्री एम के विष्णु प्रसाद जी, ही रेज अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वन ऑफ द इश्यूज ही रेज्ड वाज एन इशू व्हिच हैज बीन रेज्ड रिपीटेडली बाय माय डिस्टिंग्विश्ड फ्रेंड रूडी जी एंड अदर मेंबर्स, व्हिच इज द इशू ऑफ ATC एंड द नंबर्स ओवरऑल and the shortages. Sir, we have total 3,500 very qualified air traffic controllers in position today. The facts of the matter are that in the last 2 or 3 years, we have recruited another 1,000, and next year, according to the estimates I have, is that we will be recruiting another 250. So the submission I want to make to this House is that it is not that there is a shortage. This is a dynamic process. We try and recruit qualified personnel as an ongoing process. And this is a process on which there are no full stops. I mean, if there were, we would not have recruited 1,000 in the last few years, and we are recruiting another 250 next year. Sir, the additional point, one which has been made by all honorable speakers, all honorable colleagues, is the issue of affordability of airfares. And I want to take this issue up front. So the fact of the matter is that our civil aviation sector today stands deregulated. The government does not set airfares. But that should be a good starting point to discuss as to what the real situation is. Sir, और वायुयान संशोधन विधेयक पर विस्तृत चर्चा के बाद और मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने वायुयान संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद गर्व का चिकित्सीय समापन विधेयक को सदन में चर्चा के लिए लिया गया और चर्चा का जवाब दिया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। बाय मेकिंग सेफ एंड लीगल अबॉर्शन सर्विसेज एक्सेसिबल टू देम, इट आल्सो सीक्स टू इंश्योर डिग्निटी, confidentiality, reproductive autonomy, and justice for women who need to terminate pregnancy. So if we study the evolution of abortion laws in India, we realize that it has taken a period of 106 years for it to evolve from section 312 of the Indian Penal Code 1860. Where abortions were criminalized, to the Dr. Shantilal Shah Committee report in 1966, which recommended that reproductive laws and abortion need to be regulated in our country. This resulted in the MTP Act of 1971, which is the Parent Act, and which for the first time recognized the importance of termination of certain pregnancies by registered medical practitioners, and also recognized for the first time the importance of safe, affordable, and accessible abortion services for women. जैसे सबसे पहली हमारी ज्योति जी ने कहा कि the existing act permits legal abortion up to 20 weeks. The proposed extensions are only for vulnerable women and for substantial fetal abnormalities under direction of medical boards. In the above mentioned categories, sex selective abortions are not misused. I think aapke is concern ke sandarbh mein mera kehna hai ki law ko misuse hone ka koi किसी भी प्रकार से संभावना नहीं है। दोनों जो लॉज हैं, जो हमारा PNDT एक्ट है,
वो भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्ट है, उसको भी पावरफुल तरीके से जो है यूज़ करने की और देश में इम्प्लीमेंट करने की बहुत समय से कोशिश हो रही है, और दोनों के बीच में कोई किसी भी प्रकार का पीएनडीटी एक्ट सर। और ये आपने कहा कि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में भी मिसयूज्ड, तो मेरा इसके बारे में कहना है कि द एग्जिस्टिंग लॉ ऑलरेडी परमिट्स कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर एज ए कॉज फॉर लीगल अबॉर्शन इन मैरिड कपल्स केसेस। द चेंजिंग सोशल नॉर्म इन द सोसाइटी में बी एड्रेस्ड बाय एक्सटेंडिंग इट टू ऑल वुमेन। आपने ये प्राइवेसी ऑफ माइनर पॉस्को एक्ट शुड बी taken care of in this act also. Ye, the proposed bill has also made very stringent provisions for maintaining confidentiality and privacy. Ek saal tak ki saza ka bhi iske andar already provision hai. मंगलवार को गर्भ का चिकित्सीय समापन विधेयक को चर्चा, इस पर एक विस्तृत चर्चा हुई, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने इसका जवाब दिया, उसे उसके बाद लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया गया। बुधवार को लोकसभा में अनुदान की मांगों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लिया गया। इस अनुदान की मांग पर एक विस्तृत चर्चा हुई और इसका जवाब दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि 10 जनवरी 2020 को यह फैसला आया, पर आज तक 18 मार्च 2020 हो गई पर पूरी तरह से इंटरनेट वहां पे बहाल नहीं किया गया। वहां पे जो इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है वो 2G की सुविधा दी जा रही है। आज तक जो 4G और 5G 5 अगस्त से पहले, 5 और 6 अगस्त 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर में चलता था, उसको आज तक नहीं बहाल किया गया है। और मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं कि क्या ये उच्चतम न्यायालय के फैसले की अवमानना तो नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि अवमानना है, पर हां एक बुनियादी सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले की अवमानना कर रही है। अभी ये बजट पेश किया गया, अब देखिए इनका खुद मानना है कि 70% लोग हैं उनका जो है दारमदार, उनका रोजगार जो है वो एग्रीकल्चर पर है, लेकिन क्या ट्रीटमेंट दिया गया एग्रीकल्चर को? 25 लाख टन मेवा कश्मीर प्रोड्यूस करता है और सिर्फ व्यवस्था है कोल्ड, जो कोल्ड स्टोरेज की सिर्फ 4% पर, और इस बजट में ये कहती है 0.5% हम बढ़ाएंगे। और टूरिज्म में आप देखिए, टूरिज्म में क्या बढ़ोतरी है, टूरिज्म सबसे ज़्यादा सफ़र किया और एग्रीकल्चर ने, क्योंकि टूरिज्म का पिछले 6 महीने में इंटरनेट ब्लॉकेट की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, और उसको रिहेबिलिटेट करने के रिवाइवल के लिए कोई स्कीम ही नहीं है, और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए कोई स्कीम ही नहीं, हैंडीक्राफ्ट्स बिल्कुल इग्नोर्ड है सेक्टर। तो ये कह रहे हैं 50,000 असामिया, जिन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन ही नहीं है वो भी ख़त्म किया गया, तो रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं है वहाँ। जो यहाँ जनाब जो भी यहाँ पर ये तस्वीर दी जा रही है ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के बर्क से, कोई कोई पब्लिक सर्विस कमीशन तो कहाँ से होगी, कॉलेज बनाए गए टीचर्स के बगैर है। तो ये जो भी इम्पॉर्टेंट जो इंडेक्स दे रहे, सारा जो बल है वो जैसे भी बाकी मेंबर्स ने कहा वो सब होम पर है, पुलिस पर है। सो द फ्यू थिंग्स which I really want to concentrate on, what exactly has the budget given for G&K? Sir, after the 5th of August, and since after the bifurcation, that is after 31st October, 45 lakh beneficiaries have got 1,705 crore dispersed through direct benefit transfer to their accounts directly. 45 lakhs. And the total amount is 1,705 crores. So in this financial year, that is. 60,000 new pension cases have also been covered through the DBT. They will get covered in this coming financial year. Sir, a lot of interest was taken about the products, horticultural products, apple is the main thing and so on. 355 hectares shall be brought under high density apple plantation.
और विस्तृत चर्चा के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़े हुए अनुदान के मांगों को लोकसभा ने पारित कर दिया। बृहस्पतिवार को लोकसभा में द इंस्टीट्यूट ऑफ द टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद इस एक महत्वपूर्ण विधेयक को चर्चा के लिए लिया गया। इस चर्चा का जवाब दिया मंत्री श्रीपद यसो नायक ने। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस इन 2015 द ग्लोबल मार्केट फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर ओन गवर्नमेंट्स फिगर्स amounted to nearly $3.4 billion, a number that will nearly triple to $9.7 by the year 2022, growing at 16.2%. In a recent report, the forecast predicted were astonishing. The sale of Ayurvedic products is expected to rise threefold to $8 billion by 2022 from $2.5 billion in 2015, and at this time, an estimated 77% of Indian households are using Ayurvedic products. Now the fact is, sir, the export also of such products from India on average is about $780 million a year and is expected to grow by 20% annually. And which state, sir, has been the engine of such remarkable growth and expansion in the field of Ayurveda? Kerala, of course. Well said, sir. Yes. The state harbors nearly 1,400 industries associated with Ayurveda, sir, which pull in a combined total of $37 million and exports of $8.6 million, in addition to an overall 10% market share of the total Indian market for herbal-based products and treatment. Mananiya Adhyaksh Mahoday, main sabhi sansadon ne jis tarah se is bill ko support kiya, main tahe dil se unka fir ek baar swagat karta hu. और जो उन्होंने विचार प्रकट किए और हमें जो कुछ उन्होंने सूचनाएं दे दी उसका निश्चित तौर से वक्त पर विचार निश्चित तौर से हम करेंगे। और ये दो जो मांगे थी रिसर्च और जामनगर क्यों बाकी जगह क्यों नहीं, लेकिन उसका मैंने आंसर दे दिया है। और उनसे हर एक के जो कुछ उन्होंने मुद्दे स्थापित किए महाराष्ट्र के बारे में भी, हमारे कोल्हे साहब हो या हमारे विनायक राव हो, उन्होंने जो कुछ सजेशन दिए है, वहाँ मेडिसिनल का इंस्टीट्यूट करना है। जहाँ जहाँ हम भी कोशिश करते हैं कि आज कम से कम हमने सभी पृथ्वी में हमारे काउंसिल है उसके लिए बिल्डिंग की व्यवस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट हर पृथ्वी के नेशनल इंस्टीट्यूट हर स्टेट में हो, यह हमारा प्रयास है। अब जब ऐसे इंस्टीट्यूट बने और आयुर्वेद शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विधेयक को लोकसभा ने अपनी मंजूरी दे दी। शुक्रवार को लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कोरोना वायरस की महामारी से जुड़ी हुई समस्या हमारे देश में उत्पन्न हुई है उसको लेकर, उन्होंने जनता कर्फ्यू की रविवार को जो जनता से अपील की है उसको लेकर सबको सहयोग, सब सहयोग करें, इसकी सदन में आज अपील की। दुनिया आज कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है, भारत भी सभी संभव प्रयास कर रहा है। कल देश के प्रधानमंत्री ने जनता के साथ संवाद किया, उन्होंने डरने के बजाय, भय के बजाय सावधानी बरतने की अपील देश की जनता से की, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। कोरोना के संकट से बचने के अनेक उपाय और कार्यक्रम उन्होंने बताए। रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील भी सभी देशवासियों से की है। ये संसद सरकार के, माननीय प्रधानमंत्री जी के, देश के दिए गए राष्ट्र के संबोधन के संकल्प के साथ है। सभी दलों ने भी इसी में सहमति व्यक्त की है। यही भारत की लोकतंत्र है कि हम संकट के समय पूरा देश एक साथ मिलकर ऐसी बीमारियां या ऐसे संकट से लड़ता है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दल के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कोरोना महामारी को लेकर पूरी दुनिया में जो भय का माहौल है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपने देश में अपील की, और अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी लोकसभा में इसको लेकर अपील की। लोकसभा में इसके बाद आईआईटी विधेयक को सदन में
पारित कर दिया गया और आज निजी संकल्प के तौर पर भी एक संकल्प सदन से उसकी चर्चा की गई। तो आज डेडलाइन में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।